ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लेकर लर्नर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर वो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ हमें बोलना चाहिए जेलस यानी JEALOUS और कहाँ हमें बोलना चाहिए जेलस यानी ZEALOUS। अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करें। अगर हम बात जेलस की करें यानी जिसका स्पेलिंग है JEALOUS तो इस वर्ड का मतलब होता है जलना यानी वो आग वाला जलना नहीं बल्कि किसी को देख कर जलना। वहीं अगर हम बात जेलस की करें जिसका स्पेलिंग है ZEALOUS तो इस वर्ड का मतलब होता है बड़े खुशी से या बहुत जोश में या बहुत उमंग में। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को बड़े शानदार तरीके से समझ सके। आइए सबसे पहले जेलस का एग्जांपल देखें जिसका स्पेलिंग है JEALOUS। सबसे पहले आइए दोनों वर्ड के साउंड की बात कर लें। JEALOUS इस वर्ड का साउंड है जेलस और वहीं अगर हम बात इस वर्ड की करें जिसका स्पेलिंग है ZEALOUS तो इस वर्ड का साउंड है जेलस यानी इन दोनों के साउंड में थोड़ा सा फर्क है। पहले वर्ड का साउंड है जेलस जबकि दूसरे वर्ड का साउंड है जेलस। और अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें तो पहले वर्ड का मतलब होता है जलना यानी किसी को देख कर जलना और वहीं अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें जो है जेलस तो इस वर्ड का मतलब होता है बेहद खुश होना या बहुत उमंग में होना। आइए सबसे पहले जेलस का कुछ एग्जांपल देख लें जिसका मीनिंग होता है किसी को देख कर जलना। अगर आपको कहना हो मुझे देख कर जलो नहीं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट बी जेलस टू मी यानी मुझे देख कर जलो नहीं। हो सकता है आप सोचे कि यहाँ मैंने जेलस के पहले बी क्यों बोला तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा यह वर्ड वर्ब नहीं है यह एक एग्जेक्टिव है। जब आप इसे वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसके पहले बी आएगा इसलिए मैंने बोला डोंट बी जेलस टू मी। अगर आपको कहना हो वह मुझको देखकर जलती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज जेलस टू मी यानी वह मुझको देखकर जलती है। हो सकता है कि आप सोचे यहाँ मैंने जेलस के पहले बी क्यों नहीं लिखा तो यहाँ इस सेंटेंस में जेलस का इस्तेमाल वर्ब के जैसे नहीं हुआ है बल्कि एक एग्जेक्टिव के जैसे हुआ है और यहाँ हमारे सेंटेंस में जो वर्ब है वो है इज। अगर आपको कहना हो किसी को देखकर जलना बुरी बात है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टू बी जेलस टू एनीबॉडी इज अ बैड हैबिट यानी किसी को देखकर जलना बुरी बात है या गलत बात है। अगर आपको कहना हो मेरे पड़ोसी मुझे देखकर जलते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई नेबर्स आर जेलस टू मी यानी मेरे पड़ोसी मुझे देखकर जलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि जेलस का मतलब होता है जलना यानी किसी को देखकर जलना। अगर हम बात जेलस की करें यानी ZEALOUS तो इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा जोश में होना या बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत ज्यादा उमंग में होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वो अपने नए जॉब को लेकर बहुत ज्यादा खुश है या बहुत जोश में है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे is jealous about his new job यानी वो अपने नए जॉब को लेकर बहुत ज्यादा खुश है या उत्साह में है या जोश में है। अगर आपको कहना हो मैं अपनी तरक्की को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ यानी बहुत ज्यादा जोश में हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम जेलस अबाउट माई प्रोमोशन। अगर आपको कहना हो वो अपनी नियुक्ति को लेकर बहुत ज्यादा उमंग में है यानी वो अपनी सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा खुश है या बहुत जोश में है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज जेलस अबाउट हर सिलेक्शन यानी वो अपनी सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा खुश है या जोश में है या उत्साह में है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इन दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंसेस को आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जेलस जिसका स्पेलिंग है JEALOUS इस वर्ड का मतलब होता है जलना। वहीं अगर हम बात जेलस की करें जिसका स्पेलिंग है ZEALOUS तो इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना या बड़े उत्साह में होना या बहुत जोश में होना।